विकेट पूरा ग्रीन लग रहा है। सो एक बात बोलूंगा कि विकेट के ऊपर से मत जाना, विकेट को पहले एक बार देखते हैं कि विकेट कैसा हो रहा है। तो मेरे को अपना गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज मॉर्निंग के 9:30 हो रहा है एंड कल रात में मैं 5:30 के अराउंड सोया था क्योंकि ब्लॉग एडिट करते करते लेट हो गया था एंड देन उसके बाद बस लेट हो गए थे कल रात सोने में। सो अभी बस 4 घंटे की स्लीप ली है एंड अभी उठ गए हैं क्योंकि अभी ग्राउंड जाना है। सो ग्राउंड जाने से पहले चलते पहले चल के शावर लेते हैं एंड देन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं डायरेक्ट ग्राउंड के लिए। सो गाइज मैं निकल चुका हूं डायरेक्ट ग्राउंड के लिए। मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करा नहीं है, जस्ट अभी शावर लेके डायरेक्ट निकल गए ग्राउंड के लिए। चलता हूं ग्राउंड पर, पहले चल गए थोड़ी सी नॉकिंग करो देन उसका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइस जस्ट अभी ग्राउंड पर पहुंचे एंड फर्स्ट मैच जस्ट अभी खत्म हुआ। जो टीम चेस कर रही थी वो टीम मैंने मैच जीत लिया। तो गाइस वी आर एट द ग्राउंड। ग्राउंड बहुत ही ज्यादा प्यार लग रहा है एंड विकेट पूरा ग्रीन लग रहा है। सो एक बात बोलूंगा कि विकेट के ऊपर से मत जाना, विकेट को पहले एक बार देखते हैं कि विकेट कैसा हो रहा है। डैनिश कॉल करेंगे और कॉइन स्पिन करेंगे। उमेर हेड्स कहा अनुज ने और टेल्स सरफराज आपने टॉस जीता है और आपका क्या फैसला? हमारी बॉलिंग फैसला होगा। क्या योजना आप? काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है एनसीएल ने, काफी अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया है, वो हर मंथ टूर्नामेंट कराते रहते हैं तो काफी अच्छी बात है। सो गाइस बेसिकली जो टूर्नामेंट है सर बिपिन रावत के श्रद्धांजलि के लिए करवाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मैनेजमेंट कर रखी है। इसलिए मैंने अनुज का किट ले लिया 5 वाला। सो चलते वाले चल के नॉकिंग करते हैं, मैं आप लोगों को शो करूंगा मैं नॉकिंग में क्या करने वाला हूं। सो लेट्स गो। सो गाइस नंबर 1 कर रहा हूं मैं अंडर आर्म, बेसिकली मेरे को अपना बैक फुट पंचर बैक फुट का ठीक करना है। सो लेट्स गो। बेबी टू स्लैप विकेट की काफी तो गाइस नंबर 2 ड्रिल कर रहा हूँ मैं स्वीप शॉट की। आप लोगों को पता है कि स्वीप शॉट पे कितने ज़्यादा रन्स आते हैं। सो मेरे को अपना स्वीप शॉट एकदम परफेक्ट करना है। सो लेट्स गो। किंग्स 11 ऑफ जम्मू। गाइस मैं थोड़ी सी थ्रो डाउन कराऊंगा, थोड़ी सी मीडियम पेसर के लिए प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि परसों हमारा इंपॉर्टेंट मैच है। बॉलर से थ्रो डाउन कराते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि जो भी ऐसे नॉकिंग करते हैं ड्रिल करते हैं तो उस टाइम पर हमेशा कोशिश करो कि जितना हो सके उतना बॉल को चढ़ के ड्राइव मारो। अगर चढ़ के नहीं मारोगे तो ड्रिल करने का कोई फायदा नहीं है। To guide me and support me. Official umpire, go again. Fix it, bar. I instill. तो गाइस बेसिकली दिल्ली में तो ठंड थी बट गोवा में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हालत ख़राब हो गई। मैंने टोटल अभी तक 3 सेशन करे हैं एंड तीनों सेशन में बीच में 10-10 मिनट का गैप लिया है। सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मेरा परसों मैच है, बस देखते हैं कैसे मैच हो पाएगा। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब समझ में नहीं आ रही गोवा में इतनी गर्मी और दिल्ली में इतनी ठंड। सो गाइस मैं यहाँ पे टूर्नामेंट खेलने के लिए आया तो मेरे देखो 2 सब्सक्राइबर भाई मिले। तो आप लोग कहाँ से हो? मैं विदर्भा। आप विदर्भा से हो? आप भी? सो जो मेरे दोनों सब्सक्राइबर है दोनों विदर्भा से। आपने कर रखा मेरा चैनल सब्सक्राइब यूट्यूब पे? चैनल मेरा सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच बॉयज। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आईएनसीएल का टूर्नामेंट खेलने के लिए आ रहा हूँ जो कि है कैश प्राइज एंड एक बार सबको ट्रॉफीज दिखा दें।
सो गाइस ये देखो ट्रॉफीज आ चुकी हैं। ये ट्रॉफी किसके लिए है? ये सब कैप्टन को मिलेगी, फॉर एवरी कैप्टन। ठीक है, मैन ऑफ द मैच की होगी। यार मैच है, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। ठीक है, स्टीव फोनर बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर है, बेस्ट फील्डर भी है, नाइस, एंड बेस्ट बैट्समैन, नाइस। फाइनल में ये पर प्लेयर को, पर प्लेयर को, अच्छा विनर वाले टीम के लिए पर प्लेयर को, ये चीफ गेस्ट के लिए भी। सो मैं अब आप लोगों को चल के शो करता हूँ कि जो विनर की ट्रॉफी है और जो रनर अप की ट्रॉफी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सो चलते हैं बाहर। सो गाइस रनर अप की ट्रॉफी देखो कितनी प्यारी है, एंड सबसे बेस्ट जो ट्रॉफी लगी मुझे मैन ऑफ द सीरीज वाली लगी, एंड विनर की भी ट्रॉफी देखो कितनी बेस्ट है। सबसे मेन चीज़ जो विनर टीम का वो 31,000 कैश प्राइज़ है, देन उसके बाद सेकेंड टीम को 11,000, देन पर मैच मैन ऑफ द मैच 1,100, एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 2100 रुपये, और ये साथ में ट्रॉफी, और हर मैच में मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी मिलेगी। देन आफ्टर दैट चीफ गेस्ट को ये ट्रॉफीज दी जाएंगी, जो भी हर मैच में चीफ गेस्ट आएंगे। तो गाइस फाइनली मेरे किट बैग आई, और अब चलते जरा आप अपना सामान पहने खेलेंगे। उतने देर से 5 का सामान पहने खेल लेते हैं। सॉरी एस्कस, आप सभी को पता है कि मैं ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड हूँ एस्कस से, तो मैं किसी और ब्रांड का सामान पहने खेल नहीं सकता, बट मजबूरी थी इसलिए पहने खेलना पड़ा 5 का सामान। सो फाइनली किट बैग आ गया वापस। चलो बाय ब्रो, ठीक है, मिलते हैं, बाय। सो गाइस बेसिकली जो ये टूर्नामेंट है यूट्यूब पे लाइव आ रहा है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। IN से लिखोगे अगर आप लोग सर्च करके यूट्यूब पे, एक कैमरा देखो एक इधर लगा हुआ है, एंड देन उसके बाद कैमरा देखो वो लगा हुआ है। सो गाइस देखो जैसे कि अभी सेकंड मैच चल रहा है, तो मैच में देखो जैसे ही मैच स्टार्ट होने लगा था उससे पहले देखो बैनर चेंज कर दिया। सो फिलहाल अभी अनुज की टीम का और सरफराज की टीम का मैच चल रहा है। सो हर मैच के बाद ये बैनर्स देखो चेंज होता है पूरे ग्राउंड के, बहुत सारे जगह पे बैनर्स लगा, देखो एक ये बैनर लगा हुआ है, एंड देन देखो एक वो बैनर लगा हुआ है। INCL की बहुत सी मैनेजमेंट टीम है जो कि काम कर रही है एकदम रेगुलर। सो ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, आप लोग जाके इस टूर्नामेंट को डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। INCL के पेज पे रेगुलर अपडेट्स रहेंगे वहाँ पे, तो आप लोग जाके रेगुलर देख सकते हैं। गुड शॉट, क्या ये अनुज कैच पकड़ेगा? गुड कैच यार, वेरी वेरी गुड कैच, ग्रेट कैच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस जस्ट अभी इसका मैच खत्म हुआ है, अब थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्राइड्स मारेंगे बेसिकली 20 से लेकर 30 मीटर्स का, एंड 20 स्ट्राइड्स मारेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस 15 स्ट्राइड मार चुके हैं, हमने 30 मीटर का गैप पूरा रखा है टोटल, और अभी 5 स्ट्राइड और मारेंगे। सो आज का जो बेसिकली जो आज का डे था वो पूरा एकदम मैंने यूज़ करा है। मॉर्निंग में उठा, देन उसके बाद आके ग्राउंड में पहले वार्म अप करा, देन उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करी, मैंने स्पिनर्स की भी प्रैक्टिस करी, मीडियम पेसर की प्रैक्टिस करी, एंड परसों मेरा मैच डे है। तो मेन चीज़ क्या होता है मैच डे से पहले प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपके मैच के लिए। सो अब मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, कल भी आना है, कल भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि जो मेरा मैच है परफॉर्मेंस वो एकदम हाई रहे। सो बस चलते फिलहाल 5 स्ट्राइड और मारते हैं, एंड देन उसके बाद होटल चलते हैं और फिर उधर चल के रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। सो लेट्स गो। गाइस बेसिकली मैं गोवा में मड़गांव क्रिकेट क्लब में हूँ, एंड यहाँ पे देखो लड़कियों देखो प्रैक्टिस चल रही है, एंड वो देखो वो देखो नेट्स वहाँ पे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, एंड बाकी यहाँ पे जूनियर्स लड़कों की प्रैक्टिस चल रही है। सो गोवा में मुझे फिलहाल ये सबसे बेस्ट क्लब लगा अभी तक, मैंने जितना देखा है लड़के यहाँ पे बहुत अच्छे से हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन में लड़के। सो इट्स नाइस टू बी हेयर, एंड जहाँ पे भी आता हूँ वहाँ से जाके कुछ ना कुछ सीखता ही ज़रूर हूँ। गाइस हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कूल डाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप लोग कूल डाउन नहीं करो तो आपकी जो बॉडी वो स्टिफ हो जाएगी। सो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कितना भी ट्रेनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ए टू जेड चीज़ें कर लो, एक तो सबसे मेन हमेशा गेम से पहले या प्रैक्टिस से पहले वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन आफ्टर प्रैक्टिस या आफ्टर मैच या आफ्टर ट्रेनिंग कूल डाउन मस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अब ग्राउंड से होटल पे आ चुका हूँ, तो अभी जस्ट अभी मैं डिनर करके आया हूँ। सो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर थोड़ा कोलवा बीच साइड, थोड़ा चलते हैं उस साइड जरा जाके तो थोड़ी देर बैठेंगे, देन उसके बाद कल भी मेरा मैच नहीं है तो मैं थोड़ा रात में आराम से लेट आ सकता हूँ, बट कल भी जाऊँगा ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए, एंड जितना हो सके उतना ट्रेनिंग कर फोकस करना है।
सो फिलहाल चलते हैं कोलवा में। हे गाइस, नाउ ऑल सेट टू गो। तो बेसिकली गाइस हुआ क्या था कि मैं दिल्ली से अपनी स्लीपर्स नहीं लेके आया था, सो अभी चलते हैं फिलहाल। अगर मॉल खुला होगा, मैक्स मॉल था जहाँ से मैंने लास्ट टाइम जीन्स ली थी, तो इस बार भी सेम चीज है कि अगर मॉल खुला रहेगा तो मैं जाकर भी स्लीपर्स बाय करूंगा एंड फिर उसके बाद हम लोग बीच पे चलेंगे, क्योंकि बीच पे शूज पहन के जाना कंफर्टेबल नहीं होता। सो इसीलिए सबसे पहला काम यह है कि पहले हम लोग जाएंगे मॉल या रास्ते में कहीं पे भी कुछ भी मिलेगा तो वहां से हम लोग स्लीपर्स बाय करेंगे। सो गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ, मॉल निकला बंद, अब मैं स्लीपर्स बाय नहीं कर सकता। तो अब चलते हैं डायरेक्ट कोलवा बीच पे। एंड एक और मेन चीज, रात में यार बीच पे कुछ शो करने लायक होते नहीं, तो मैं उतना आप लोगों को अपने बीच की जो क्लिप्स होते हैं वो शो नहीं कर पाता। लास्ट ट्रिप पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि बीच की जो क्लिप्स होती है मैं उतना शो नहीं करता। सो वो फिलहाल चलेंगे, ऐसे हम लोग थोड़ा घूम घूम के आएंगे, देन उसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट अब होटल पे मिलूंगा या मिलते रहेंगे बीच में थोड़े थोड़े टाइम में। अगर कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स आएंगे तो मैं आप लोगों को शो करूंगा, बाकी लेट्स गो। सो गाइस, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो एक जो कोलवा बीच का एरिया था पूरा एकदम शांत था, इधर बिल्कुल भी रश नहीं था। बट न्यू ईयर का टाइम है सो आप लोग भीड़ देख सकते थे वो कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। एंड यहाँ पे भी रश है, जबकि ये साउथ गोवा है, साउथ गोवा साइड इतना रश नहीं होता। एंड इस लॉन्ज में हम लोग बैठे थे बहुत ज्यादा बार, एंड हम लोग फिर से यहीं पे दोबारा भी जाने वाले हैं। बोलाते हैं कि हम लोग आने वाला है ना, तू जाके बोल क्या भाई। सो पहले चलते, पहले बीच से घूम के आते हैं ना ब्रो। तो गाइस, इस बार चेंजेस देखो कितने ज्यादा हो गया है। जैसे क्रिसमस अभी आया था तो क्रिसमस के लिए देखो ये एक्स्ट्रा इधर बोर्ड लगा दिया है। एंड अब थोड़ा अच्छा लग रहा है गोवा, कोलवा बीच स्पेशली, इट टोटली लुक्स डिफरेंट। दोबारा से बीच के मजे। क्या क्या चीज आके लिखते हैं देख रहे हो, बैड हैबिट्स, जिसने भी लिखा है बहुत गलत बात है। सो गाइस, अब जितना घूमना था कोलवा बीच पे घूम लिया। एक्चुअली कुछ होता नहीं यहाँ पे घूमने के लिए, बस आधे थोड़े देर बैठते हैं बीच के सामने एंड बस थोड़ा सा माइंड अपना फ्रेश करते हैं। सो अब चलते हैं डायरेक्ट होटल पे, और उससे पहले जो वहाँ का लॉन्च है वह लॉन्च पे चलेंगे, थोड़ी देर वहाँ पे चल के कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर देन उसके चलते डायरेक्ट होटल पे और अभी चल के व्लॉग भी एडिट करना है। सो लेट्स गो। तो गाइस, हम लोग घूम के आ चुके हैं बाहर से अभी, तो जस्ट अभी मैं होटल में आया तो अभी टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है अभी। सो चलते हैं फिलहाल चल के व्लॉग एडिट करते हैं, सब कुछ करते करते 3 बज जाएंगे अप्रॉक्स। तो चलते हैं फिलहाल पहले चल के व्लॉग एडिट करते हैं एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस, टाइम हो चुका है 1:40 एंड मेरी व्लॉग पूरी एडिट हो चुकी है। एंड मैं बाहर आके ये व्लॉग का पार्ट क्यों शूट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को उसका भी रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे रूम में वाईफाई का कनेक्शन नहीं आता, सो मेरे को व्लॉग अपलोडिंग करने के लिए बाहर ही आना पड़ता है, या तो इधर आना पड़ेगा रेस्टोरेंट के साइड में, या तो मेरे को नीचे रिसेप्शन पर जाना पड़ेगा। सो अब मैं व्लॉग को यहीं पर फिनिश करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छी लगे, व्लॉग अच्छी लगे तो व्लॉग पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और जो भी न्यू व्यूअर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं बहुत जल्द नई ब्लॉग में। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। जिस बात का डर था वही हुआ, मॉल निकला बंद, अब मैं कहीं से स्लीपर्स बाय नहीं कर सकता। सो ये क्या हुआ?